लगभग 900 दिनों तक एक शहर की घेराबंदी जिसमें रह रहे लाखों लोगों को भूख और ठंड के लिए तड़पाया गया। यह विश्व इतिहास के प्रमुख डिजास्टर में से एक है, क्योंकि एक समय तो इस शहर में एक दिन की मौत का आंकड़ा लगभग 5000 तक पहुंच गया था। खाने के लिए एक व्यक्ति को पूरे दिन में सिर्फ 125 ग्राम की एक ब्रेड मिलती थी। इस घेराबंदी के दौरान लीना मुखेना, जो कि अपने परिवार के साथ इसी घेराबंदी में शामिल थी, वो अपनी डायरी में लिखती हैं कि वो अपने परिवार और दोस्तों को मरता हुआ देख रही थी। खाने के लिए ब्रेड और बाल पेपर का पेस्ट यूज किया जाता था। कभी कभी पालतू जानवरों का भी इस्तेमाल किया जाता था। जिसके बाद 25 मई 1942 को उन्होंने अपनी डायरी लिखना बंद कर दी थी। इस शहर में बिताए हुए एक एक दिन को उन्होंने अच्छे से अपनी डायरी में दर्शाया है। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत हो चुकी है। आपके अपने यूट्यूब चैनल हिस्टोरी बा पर आपका स्वागत है। तो आइए शुरू से शुरू करते हैं। हिटलर की योजना ऑपरेशन वॉल भरोसा के तहत सोवियत संघ पर हमले के तीन फ्रंट थे, जिसमें हम बाकी दो फ्रंट पर पहले ही चर्चा कर चुके हैं। इसलिए आज हम बात करने वाले हैं तीसरे और आखिरी फ्रंट की, यानी कि नॉर्थ फ्रंट की, जिसके अनुसार हिटलर की मुख्य योजना थी लेनिनग्राड शहर पर कब्जा करना। यह शहर यूएसएसआर का प्रमुख औद्योगिक शहर था, जिसका अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि पूरे देश की आर्थिक और सैन्य उपकरणों का निर्माण का 14% भाग यही निर्मित होता था। रशिया के महान राजा पीटर द ग्रेट के नाम से शहर का नाम सेंट पीटर्सबर्ग रखा गया था, लेकिन रूसी क्रांति के बाद लेनिन के मौत के उपरांत इस शहर का नाम लेनिनग्राड रख दिया गया था, लेकिन आज भी शहर का नाम सेंट पीटर्सबर्ग ही है। दोस्तों, इस तीसरे फ्रंट पर सिर्फ जर्मन सेना मौजूद नहीं थी, इस फ्रंट पर जर्मन सेना का साथ फिनलैंड की सेना ने भी दिया था। दरअसल विंटर वार के दौरान यूएसएसआर ने फिनलैंड के कई भूभाग पर कब्जा कर लिया था, जिसे वापस पाने की चाहत में फिनलैंड भी नाजी जर्मनी के साथ शामिल हो गया था, सिर्फ इसी शर्त के साथ कि वो अपने कब्जाए हुए भूभाग को वापस पाना चाहता है। लेकिन बाद में वो लेनिनग्राड की ओर आगे बढ़ा और शहर की घेराबंदी में नाजी जर्मनी की सहायता भी की। इससे पहले कोल्ड वॉर के बाद मार्च 1940 में फिनलैंड ने मास्को ट्रीटी साइन की थी, जिसमें उसने केरेलियन स्थमन का सारा नियंत्रण यूएसएसआर को सौंप दिया था, जिसके बाद जर्मनी की सहायता से वो अपने इस क्षेत्र को वापस पाना चाहता था। तो दोस्तों, जून 1941 में यूएसएसआर पर जर्मनी ने अपना हमला शुरू कर दिया था। फील्ड मार्शल विलहेम रिटर वॉन लिप इस मोर्चे की कमान में थे, जिन्होंने 8 सितंबर 1941 से इस शहर की घेराबंदी शुरू कर दी थी। शुरुआती योजना के तहत इस शहर पर कब्जा करना था, लेकिन बीच वाले फ्रंट की सहायता करने के कारण ये लाडोगा झील के तट पर पहुंचकर इन्होंने शहर की घेराबंदी करने का फैसला लिया। जर्मन सेना शहर के दक्षिण में थी, तो फिनलैंड शहर के उत्तर में पहुंच चुका था। जैसा कि आपको पता है कि अपने शुरुआती अभियानों में जर्मन सेना तूफान की ओर आगे बढ़ती जा रही थी, जिसमें जर्मन सेना ने 9 जुलाई तक लिथुनिया, लाटविया से आगे तक अपना कब्जा कर लिया। सोवियत आर्मी जर्मन सेना को रोक नहीं पा रही थी, जिसके कारण 1 सितंबर तक जर्मन सेना एस्टोनिया तक पहुंच चुकी थी और 8 सितंबर तक लेनिनग्राड की घेराबंदी शुरू कर दी गई थी, जो कि 5 दिसंबर तक पूरी हो चुकी थी, तथा लेनिनग्राड से जुड़ी हुई सभी सड़कों तथा रेलवे लाइनों का कनेक्शन बाकी सोवियत संघ से काट दिया गया था। तो उत्तर में फिनलैंड की ब्लू डिविजन पहुंच चुकी थी। शहर से गुजरने वाली नदी, जो कि लाडोगा झील तक इस शहर के लिए पानी का एक रास्ता था, उसकी एक्सेस भी अब जर्मन सेना ने काट दी थी और सिल्ज़बर्ग पोर्ट पर अपना कब्जा कर लिया था। जर्मन विशेषज्ञों का मानना था कि कुछ ही हफ्तों में शहर में भूखमरी आ जाएगी और ये लोग भूखमरी से ही मर जाएंगे, क्योंकि सारे रास्तों पर जर्मन सेना का कब्जा हो गया था। इस शहर की घेराबंदी का सबसे ज़्यादा चलने का कारण यही था कि हिटलर और स्टालिन का ज़्यादा ध्यान बीच वाले और साउथ फ्रंट पर ज़्यादा था, क्योंकि यहाँ की लड़ाइयाँ ज़्यादा घातक होती जा रही थी। इससे पहले मास्को इन्वेजन फेल होने के बाद हिटलर का सारा ध्यान स्टालिनग्राड शहर की ओर था, जिसके कारण दोनों ही पक्षों ने अपने प्रमुख बलों को लेनिनग्राड से साउथ की ओर शिफ्ट कर दिया था। वहीं शहर में रह रहे लोगों और जवानों को पहले ही जानकारी मिल गई थी कि जर्मन सेनाएं लेनिनग्राड की ओर आ रही हैं। इसलिए शहर के लगभग 10 लाख लोगों और जवानों ने शहर की रक्षा के लिए ट्रेंच खोदना शुरू कर दिया था और ये जवान अपनी पोजिशन वहीं लेकर डट गए थे। दूसरी ओर जर्मन सेना ने शहर पर कब्जा करने के बजाय घेराबंदी पर ज़्यादा ध्यान दिया, क्योंकि फिनलैंड की सेना ने आगे बढ़ने से मना कर दिया था। उस समय इस शहर में लगभग 31 लाख लोग मौजूद थे। इतनी ज़्यादा जनसंख्या होने का एक कारण यह भी था कि जब जर्मन सेना ने शुरुआती हमले किए थे, तो बाहरी क्षेत्रों के लोग भी इसी शहर की ओर बढ़ते जा रहे थे। इस शहर की रक्षा के दौरान सोवियत सैनिकों की संख्या भी लगभग लाखों में थी। घेराबंदी के दौरान जर्मन वायुसेना ने इस शहर पर काफ़ी भयंकर बमबारी भी की थी। 8 सितंबर तक इस शहर में बमबारी शुरू हो चुकी थी, जिसमें 19 सितंबर 1941 को तो जर्मन वायुसेना ने बहुत ही भयंकर बमबारी की थी,
इस बमबारी में कई आम लोग मारे गए थे। इस घेराबंदी के दौरान जब स्टालिन अपनी सारी ताकत स्टालिनग्राड की ओर झोंक रहे थे तो इस शहर की घेराबंदी को तोड़ने के लिए कोई खास कोशिशें नहीं की गई, लेकिन शहर की आपूर्ति के लिए कई कोशिशें की गई, जिसमें लाडोगा झील द्वारा सोवियत ने कई जहाजों में माल और सप्लाई भेजा, लेकिन ज़्यादातर जहाज शहर तक पहुँच ही नहीं पाए क्योंकि जर्मन वायुसेना उन्हें रास्ते में ही नष्ट कर रही थी। इस शहर की आपूर्ति के लिए जब सर्दियों के मौसम के दौरान लाडोगा झील पूरी तरह से बर्फ में जम चुकी थी, तब इस झील के ऊपर एक सड़क बनाई गई, जिसे रोड ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। इसी सड़क से भारी मात्रा में संसाधनों को शहर तक पहुंचाया गया था, साथ ही शहर के लगभग 17 लाख लोगों को इसी रास्ते से शहर से बाहर भी निकाला गया था। इन पर रोजाना जर्मन वायु हमले भी होते थे, जिसके कारण लगभग 40,000 लोग इस शहर की निकासी के दौरान ही मारे गए थे। लगभग 2.5 साल चली इस नाकेबंदी के दौरान एक समय तो ऐसा भी आया जब इस शहर की पुलिस ने कई लोगों को सिर्फ इस जुर्म में पकड़ा कि वो नरभक्षी बन गए हैं, जिसका मतलब आप अच्छे से जानते हो। इस पूरी घेराबंदी के दौरान लगभग 10 लाख आम नागरिक मारे गए थे, तो साथ ही 5 लाख सोवियत सैनिक भी मारे गए थे। अधिकतर लोग सिर्फ भूखमरी और बीमारी के कारण ही मरे थे। इस शहर की घेराबंदी का प्रभाव अब पूरे यूएसएसआर पर भी देखने को मिला। परिणाम यह हुआ कि अब पूरे सोवियत संघ में देशभक्ति की भावना जागने लगी। अब युवा बढ़ चढ़कर अपने देश को बचाने के लिए आर्मी ज्वाइन कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर अमेरिका भी विश्व युद्ध में शामिल हो चुका था और लैंड लीज एक्ट के तहत उसने यूएसएसआर को भारी मात्रा में हथियार उपलब्ध कराना शुरू कर दिया था। वहीं बाकी दूसरे मोर्चों पर भी हिटलर की सेना मॉस्को और स्टालिनग्राड में पहले ही हार चुकी थी और अब जर्मनी की सेना ने पीछे हटना शुरू कर दिया था। उत्तरी मोर्चे पर भी यही हुआ। सोवियत सेना ने बहुत बड़ी संख्या में जर्मन सेना पर हमले किए। परिणाम यह हुआ कि अब जर्मन सेना को शहर के दक्षिणी हिस्से से निकाल दिया गया। वहीं दूसरी ओर फिनलैंड की सेना ब्लू डिवीजन को भी पीछे हटना पड़ा। जब सोवियत, यूएसए और ब्रिटेन ने दबाव बढ़ाया तो फिनलैंड के राष्ट्रपति को इस्तीफा देना पड़ा और फिनलैंड की नई सरकार ने सोवियत संघ के साथ दोस्ती कर ली और मॉस्को शांति समझौते को फिर से स्वीकार कर लिया। साथ ही फिनलैंड की नई सरकार ने उल्टा जर्मनी के खिलाफ ही युद्ध की घोषणा कर दी, जिसका परिणाम यह हुआ कि फिनलैंड में मौजूद जर्मन सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही 27 जनवरी 1944 तक शहर की सारी घेराबंदी टूट चुकी थी, पूरे के पूरे 872 दिनों के बाद। इस पूरे हमले के दौरान लगभग 5,80,000 एक्सिस पावर के सैनिक मारे गए थे। हिटलर तीनों ही मोर्चों पर हार चुका था। इस पूरे रशियन इन्वेजन के दौरान एक्सिस पावर ने अपने लाखों सैनिकों को खो दिया था, साथ ही बेशकीमती संसाधनों को भी। दूसरी ओर यूएसएसआर में नया जोश आ चुका था। अब तक के वीडियो में हमने सिर्फ यही बात की है कि हिटलर कितना एग्रेसिव था, लेकिन अब आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे कि हिटलर कितना डिफेंसिव था, क्योंकि अब एलाइड पावर जर्मनी में घुसने की तैयारी कर चुके थे। तो दोस्तों, आज का वीडियो यही खत्म होता है। आशा करता हूँ कि आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपको क्या करना है। और हाँ, सब्सक्राइब करने के साथ साथ अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो हमारे चैनल की पेड मेंबरशिप भी ले सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।